गाइस यहाँ से कूद के जाना है। इधर का सीन ये देखने को मिल रहा है। देखो भाई भाई संभल के। तो है गाइस कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। सो आज हम आ गए फिर न्यू ब्लॉग में और आज हम जाने वाले हैं कौन सा तो भी एक गांव है। तो आज काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है क्योंकि हम काफ़ी सारे लोग हैं, मतलब मेरे एज के थोड़े बड़े बड़े लोग भी नहीं क्या। सो उनके साथ में आज ट्रैक्टर पे एडवेंचर करने वाला हूँ। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ट्रैक्टर का नाम सुन के, क्योंकि काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि ट्रैक्टर में नहीं क्या। सो आज जाएंगे हम ट्रैक्टर पे एडवेंचर करने। सो देखेंगे कितना मज़ा आता। तो बाकी सारे लोग उधर है, सो अभी चलते उधर। चलो गाइज देखो गाइज यहाँ पे निखिल पाजी भी आ रहा है। पाजी तू भी आ रहा ना? तो पाजी भी आ रहा है। सो काफ़ी सारे बंदे हैं और तो गाड़ी आने की अभी तक हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। सो पाजी शायद खाना खाने जा रहे हैं। सो चलो उसके घर चलते हैं अभी हम। तो अभी मैं जा रहा हूँ पाजी के घर। टिफिन का पकड़ तो गई है, मतलब गाड़ी अभी तक आई नहीं है। भाई टिफिन यहाँ पे रख ले मेरा पे। सो हम आज काफी एडवेंचर करने वाले हैं। ट्रैक्टर पे ये डाल देना वहाँ पे। फाइनली गाइस यहाँ पे सारे बंदे जमा हो गए। अभी हम गाड़ी का वेटिंग कर रहे हैं। तो अभी तक गाड़ी आई नहीं है। सो वो लोग जा रहे हैं गाड़ी को बुलाने, वो लोग तो अभी देखेंगे गाड़ी आने के बाद। ब्रो गाड़ी को कितना दे? आधा घंटा। और आधा घंटा दे रहे बोलते। सो अभी हम यहाँ वेटिंग कर रहे हैं तो गाड़ी आने का। सो कौन सी गाड़ी आने वाली भाई? कौन सी गाड़ी? ट्रैक्टर, टैक्सी। अभी ट्रैक्टर बोलते ना? अच्छा मतलब टैक्सी आने वाली है शायद। ट्रैक्टर होती तो काफ़ी मज़ा आता है क्या? नहीं तू नहीं आ रहा? क्यों तो ये नहीं आ रहा? तबीयत अच्छी नहीं है। तबीयत अच्छी नहीं है, ओके। तो फाइनली गाइज हम जा रहे चलते उस गाँव तक जाना है शायद। फिर बंदे एक दो तीन चार पाँच छः, मतलब मुझे मिलके छः बंदे। तो हम लोग जा रहे हैं अभी बाहर। सो ट्रैक्टर तो कैंसिल होगी तो अभी पता नहीं कौन सी गाड़ी लेके जाएंगे। तो देखेंगे अभी। तो देखो कितना प्यारा लग रहा है इधर, सब लोग लाइन से जा रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। मैं काफ़ी पीछे हूँ, सो दौड़ के जाना पड़ेगा अभी जल्दी जल्दी से, काफ़ी पीछे हूँ मैं। तो ये देखो गाइस ये खेत में ये डाल के धान, तो या रुबाई होके या होने की है, तो या पिंडी डाल के है। सो जहाँ से मैं जा रहा हूँ वहाँ काफ़ी खतरनाक सा है, मतलब अगर फिसल गए तो फिर राहत आ जाएगी, गिर भी जा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, सब लोग लाइन से जा रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच जन। तो उस गाँव तक हमें चल के जाना है, फिर वहाँ से वो शायद गाड़ी आएंगी तो फिर वहाँ से हम बैठ के जाएंगे। तो काफ़ी पीछे रहा पर दौड़ के जाऊँ गाइस। यहाँ से कूद के जाना है। इधर का सीन ये देखने को मिल रहा है। देखो भाई भाई संभल के गिर जाएगा। तो सारे कूद के, लेकिन मैं अकेला हूँ अभी, अभी मैं कूदूंगा तो क्या मेरा। ओ भाई ये कितना, देखो कितनी हरियाली यहाँ पे, जैसा वो पूरा घास ही घास है यहाँ पे। तो क्या चल रहा है यहाँ पे? दोस्तों के साथ काफ़ी समय बाद टाइम बिताने और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है क्योंकि हंसी मजाक तो काफ़ी चल रही है। तो अभी हम गांव के पास ही पास है, तो गांव बिल्कुल पास है हमारे। तो अभी हम जाएंगे मस्त बैठे और गाड़ी पे भी बैठेंगे, पता नहीं अभी कौन सी गाड़ी है। तो अगर ट्रैक्टर होती तो काफ़ी मज़ा आता यार, मतलब वो नहीं क्या फीलिंग महसूस करने को मिलती। तो अभी पता नहीं कौन सी गाड़ी है, तो देखेंगे आगे जाके। तो अभी गाँव तो पास काफ़ी आ गए हैं, तो इधर का व्यू देख लीजिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि अभी बारिश काफ़ी चल रही है ना, इसलिए तो बारिश के वक्त मतलब इधर काफ़ी अच्छा अच्छा व्यू दिख रहा है। एक बार देख लो आप लोग गाइस कितना प्यारा व्यू लग रहा है यहाँ पे। तो सब लोग यहाँ पे जा रहे हैं और देखो काफ़ी हरियाली है यहाँ पे, मतलब जैसे गेहूँ के पेड़ मतलब ना क्या गेहूँ के जैसे वो लग रहा है, लेकिन वो गेहूँ नहीं है, वो घास है सिर्फ। तो इधर का ऐसा है कुछ, तो वो गाँव आ गया है पास में ही। I'm not afraid to die.
तो फाइनली गाइज हम लोग चलते चलते 1 किलोमीटर पार कर लिया हमने। तो अभी हम गांव में आ पहुँचे सब लोग। तो 1 किलोमीटर था वहाँ से लेकर यहाँ तक, तो अभी हम पहुँच गए। तो गाड़ी का वेटिंग करेंगे अभी। देखो गाइज फाइनली हम गांव में पहुँच गए, गांव में एंटर हो गए हम। तो शायद ये सामने गाड़ी दिख रही है वो शायद गाड़ी होगी शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि हाँ बराबर है यही गाड़ी है शायद। तो अभी काफ़ी सारे बंदे जमा है यहाँ पे और एक एक बैठ रहे अभी सब लोग, तो अभी हम भी बैठेंगे वहाँ पे। चल अंदरा चलो। ओ भाई तो देखो गाइस हम सब अभी अंदर बैठ गए सब लोग, अभी गाड़ी कब जाएगी बताएंगे। तो देखो गाइज हमको यहाँ पे सांप देखने को मिल रहा है सामने, देखिए जूम करके दो क्या वो देखो काफी भारी लग रहा है। अंदर चलना नहीं नहीं दूसरा है, कुछ तो भी दूसरा है, तो काफी बड़ा सांप है। आपको जाने दो भाड़ में। अभी हम एडवेंचर करने वाले हैं। कौन सा गाँव है वो? कौन सा गाँव है भाई? तो गांव का नाम है भ्यूकुंड। तो फाइनली गाइस गाड़ी स्टार्ट हो गई है, तो अभी हम जा रहे हैं भ्यूकुंड। तो अभी देखेंगे एडवेंचर, इतना प्यारा व्यू वगैरह सब। तो गाड़ी अभी स्टार्ट हो गई है, तो इधर का कुछ ऐसा व्यू है सब। तो देखो गाइज इधर की बारिश की वजह से रोड काफ़ी ख़राब हो रखे है। सो इतने मतलब रोड ख़राब ही नहीं यार इधर के, मतलब चलू शायद नहीं लगता रोड पे, लेकिन फिर भी चलते हैं। तो गाड़ी भी देखो ना कितनी। तो देखो गाइस फाइनली रोड अच्छा लगा है, तो अभी काफ़ी अच्छा रोड सामने को देखने को मिल रहा है। और मतलब नहीं क्या गाइस, जिस हम रोड पे लगे हैं वहाँ पे शेर का थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा डर है, क्योंकि इस रोड पे मतलब इधर उधर सारा जंगल ही जंगल है सामने से। सो वहाँ पे शेर रहता है, तो आपको पूरा जंगल दिखाऊँगा। चलो सामने काफ़ी मस्त लग रहा है दोस्तों के साथ टाइम बिता रहा हूँ, तो क्योंकि बहुत दिनों के बाद निकले हम बाहर। तो देखो गाइस यहाँ से जंगल स्टार्ट होता है। सो इसी जंगल में काफ़ी मतलब टाइगर वगैरह सब, तो बहुत लोगों ने देखा है उस जंगल में टाइगर। सो उधर जाना खतरा है, लेकिन फिर भी कोई कोई लोग जाते हैं, बहुत भयड़ है। सो अभी मतलब इस साइड नहीं रहता, मैं आपको दिखाऊँगा सामने वहाँ मतलब वॉल कंपाउंड है पूरा सा, तो इस साइड नहीं रहता वाघ। तो देखो गाइज आपको ये वॉल कंपाउंड दिख रहा, तो इसी साइड में मतलब टाइगर रहता है, तो बहुत लोगों ने देखा है, मतलब वो कभी कभी रोड पे भी आ जाता है। तो देखो गाइज इधर का व्यू काफ़ी प्यारा लग रहा है, और तो वो पहाड़ी देखो ना कितनी क्यूट लग रही है, जूम करके दिखा था एक बार, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर हरियाली हरियाली। और ऊपर का सीन देखो कितने आवर मतलब डक्स वगैरह सब, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और मौसम भी काफ़ी। गाइस हम यहाँ तक आके पहुँच गए। तो भाई ये गांव का नाम क्या है? भ्यूकुंड। ओके सो इस गांव का नाम भ्यूकुंड है। सो इधर का व्यू कुछ ऐसा है, ऐसा देखने को मिल रहा है। सो काफ़ी मज़ा आया मतलब ब्लॉग में, तो दोस्तों के साथ मतलब काफ़ी समय बिताया और काफ़ी अच्छा भी लगा। सो फर्स्ट टाइम मतलब नहीं क्या, इतने दिनों के बाद हम घूमने निकले और उस गाड़ी में काफ़ी अच्छा फीलिंग लग रहा है। सो इधर का कुछ तो हम यहाँ पे घूमने आए थे गाइस, तो मतलब घर में काफ़ी बोर हो रहे थे, तो सोचा अभी ये लोग तो जा ही रहे थे, तो सोचा मैं भी इनके साथ चला जाऊँ। तो काफ़ी मज़ा आया इन लोगों के साथ थोड़ा घूम के, सो मूड मतलब फ्रेश फ्रेश लग रहा है अभी। तो देखो गाइज हम काफ़ी ऊपर आ गए, और तो इधर काफ़ी अच्छा व्यू नज़र आ रहा है, और घर तो देखो काफ़ी छोटे छोटे लग रहे हैं। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर आके, मौसम भी सुहाना है, काफ़ी बारिश भी नहीं आ रही है और अच्छा है। तो बैग
मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे आके। अच्छा हुआ मैं मतलब आया इन लोगों के साथ, तो काफ़ी टाइम बिताने को मिला और इधर का व्यू भी, और पहाड़ तो देखो कितनी प्यारी लग रही है यहाँ से, और पेड़ भी काफ़ी प्यारे प्यारे लग रहे हैं, सब ग्रीन ग्रीन ही है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और ऊपर हम आए ना तो काफ़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और फीलिंग काफ़ी महसूस करने को मिल रही है। और तो और वो पहाड़ जो देख रहे हैं आप लोग, वहाँ हम गए थे पहले। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को मैं यहाँ ही एंड करता हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।